हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एमके। आज आप लोगों को दिखाएंगे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर पर, कोई भी मॉडल हो, कोई भी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, अगर इंडिकेटर नहीं जलता है तो कैसे ठीक करेंगे, और जलता है लेकिन ब्लिंक नहीं कर रहा है वो कैसे ठीक करेंगे, और इंडिकेटर जो बुजर होता है, इंडिकेटर हॉर्न आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नहीं बज रहा है और इंडिकेटर हॉर्न अलग से लगाना चाहते हैं तो कैसे वो लगाएंगे, कनेक्शन कैसे होगा, और इंडिकेटर नहीं जल रहा है और इंडिकेटर जलता है लेकिन ब्लिंक नहीं कर रहा है, फिक्स्ड होकर रह गया है, वो कैसे ठीक करेंगे, क्या खर्चा आएगा, वो आज का वीडियो में आप लोगों को आज दिखाएंगे। तो चलिए पूरा वीडियो देखते जाइए कि आज आप लोगों को दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये, इस पर इंडिकेटर नहीं जल रहा है और जलता है तो ये ब्लिंक नहीं हो रहा है, दोनों ही बताएंगे नहीं जलने से क्या करेंगे, और जल रहा है लेकिन ब्लिंक नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है, आज का वीडियो में ये ठीक करके दिखाएंगे। देखिए ये सामने इंडिकेटर जल रहा है और इधर पीछे भी ये इंडिकेटर जल रहा है, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों होता है बताएंगे और ठीक करके दिखाएंगे। दिखा देते हैं दाएं तरफ इंडिकेटर देखे, तो देखिए दाएं तरफ इंडिकेटर दिए हैं, देखिए दाएं तरफ जल रहा है लेकिन ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये भी देख लीजिए ब्लिंक नहीं कर रहा है, चारों इंडिकेटर जल रहा है ब्लिंक नहीं कर रहा है, इसको ठीक करके दिखाएंगे। अगर आपका इंडिकेटर नहीं जलता है, एक भी इंडिकेटर नहीं जलता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो भी आज का वीडियो में बताएंगे। और ये इंडिकेटर जलता है लेकिन आवाज नहीं आता है, बुजर जो इसको कहते हैं, आवाज जो आ रहा आएगा टीक टीक करके वो भी नहीं आ रहा है, तो ये कैसे ठीक करेंगे आज का वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए ये सामने का नोज खोल लेते हैं, खोल के दिखाते हैं, इसीलिए खोलना होगा, यहाँ पर फ्लासर रहता है, कुछ कुछ मॉडल पर यहाँ पर हेडलाइट रहता है हीरो मॉडल पर, और इसके अंदर फ्लासर रहता है, तो ये खोलना होगा कुछ कुछ मॉडल पर, और इस मॉडल पर ये ओकिनावा रिज 30 मॉडल है, तो ये नोज खोल लेते हैं। नोज खोलने के लिए ये दोनों स्क्रू खोलना होगा, इधर इधर एक स्क्रू रहता है और इधर एक स्क्रू रहता है, ये स्क्रू खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये लाइट भी फिक्स होके रह गया है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, यही है इसका प्रॉब्लम, और इंडिकेटर क्यों नहीं जलता है वो भी आप लोगों को बताएंगे वीडियो में। तो चलिए खोल के दिखाते हैं। तो देखिए ये सामने का जो नोज है ये खोल लिया, सामने का जो कवर है, तो यहाँ पर आपको फ्लासर ढूंढना होगा। तो देखिए इस मॉडल पर ये है फ्लासर, ये दोनों ही काम करता है, फ्लासर भी है और बुजर भी है, बुजर उसको कहते हैं जो इंडिकेटर हॉर्न होता है, इंडिकेटर जलने पर टीक टीक आवाज आता है, उसका टेक्निकल नेम है बुजर। तो इसको खोल के आप लोगों को दिखाते हैं, ये प्रॉब्लम हो गया है, तो ये खोलने से जलेगा और बाजेगा। देखिए ये खोल लेते हैं, देखिए बंद हो गया, बंद हो गया, मतलब ये भी फ्लासर का काम करता है, यही है फ्लासर और बुजर। अगर ये खोल लेते हैं और इंडिकेटर जलता है तो मान लीजिए ये सिर्फ हॉर्न है और फ्लासर दूसरा जगह पर है, ऐसे करके आप लोगों को ढूंढना होगा। तो कुछ कुछ मॉडल पर फ्लासर और इंडिकेटर हॉर्न एक साथ रहता है, और जिसका सिर्फ फ्लासर है इंडिकेटर हॉर्न नहीं है, उसका भी कैसे लगाएंगे इंडिकेटर हॉर्न इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम ठीक करके दिखाते हैं, दूसरा फ्लासर लगाते हैं। तो देखिए ये है फ्लासर, इसको लगाएंगे, ये जो मॉडल है, ये मॉडल दिखा देते हैं आप लोगों को, रुकिए, ये जो मॉडल है ये मॉडल नहीं मिल रहा है, ये गाड़ी के साथ आया था, ये नहीं मिल रहा है, तो ये है फ्लासर, हमने मोटरसाइकिल का फ्लासर लिया, हीरो होंडा स्प्लेंडर मॉडल का ये फ्लासर है, तो ये मिंडा कंपनी का है, अच्छा कंपनी का है, ये फ्लासर लगा के आप लोगों को दिखाएंगे, ये फ्लासर लगाने से काम करेगा, आप लोगों को लगा के दिखाते हैं। और फ्लासर के साथ जो बुजर आता है, तो इस मॉडल पर भी नहीं है, तो बुजर अलग से लगाएंगे, आप लोगों को दिखा देते हैं। और बुजर आपका नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर जल रहा है, मतलब इंडिकेटर हॉर्न नहीं बज रहा है, तो अलग से ये इंडिकेटर हॉर्न लगा सकते हैं, इसका कनेक्शन भी बता देंगे कैसे कनेक्शन होगा इंडिकेटर हॉर्न बजाने के लिए, ये दोनों आप लोगों को दिखा देते हैं। ये फ्लासर है मिंडा कंपनी का और ये बुजर है एवन कंपनी का, तो ये दोनों ही लगा के दिखाएंगे, इसका कनेक्शन कैसे होता है वो भी दिखा देते हैं। तो देखिए हमने कनेक्शन कर लिया है, आप लोगों को दिखा देते हैं, बता देते हैं कनेक्शन कैसे होगा। तो देखिए ये बुजर है,
मतलब इंडिकेटर हॉर्न है, और ये है फ्लासर, ये फ्लासर है। और पुराना वाला जो फ्लासर मिला के हॉर्न था उसका कनेक्शन काट के यहाँ पर जोड़ दिया है, क्योंकि ये फ्लासर जो नया वाला फ्लासर है यहाँ पर कनेक्शन नहीं मिलता है, पुराना वाला से लेके यहाँ पर लगा दिया। इसका कनेक्शन यहाँ पर जैसा था वैसा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो फ्लासर है रेड वाला वायर है, तो ये रेड वाला देखिए इधर लगाया जहाँ पर बी लिखा है, और ब्लैक वायर एल पर लगाया जहाँ पर एल लिखा है, ब्लैक वायर यहाँ पर लगाया, ठीक है, वायरिंग से जो आता है मेन वायर। और ये जो बुजार का वायर है वो सेम वायर है, एक ब्लैक वायर है यहाँ पर लगाया, और एक रेड वायर है रेड पर लगाया, जिधर बी लिखा है उधर लगाया, और जिधर एल लिखा है उधर ब्लैक लगाया, दोनों का सेम कनेक्शन है। अगर आपका ऐसा कनेक्शन करने पर नहीं जलता है तो कनेक्शन घुमा के आप देख सकते हैं, ये कनेक्शन इधर करके देख सकते हैं, मतलब ब्लैक वाला बी पर लगा सकते हैं और ये रेड वाला एल पर लगा सकते हैं, रेड वायर एल पर लगा सकते हैं, ब्लैक वायर बी पर लगा सकते हैं, वैसे करके लगा के देख सकते हैं। तो इस पर आप लोगों को दिखा देते हैं जला के, देखिए चाबी ऑन कर रहे हैं और इंडिकेटर दे रहे हैं, देखिए इंडिकेटर जल रहा है और बुजर भी बज रहा है, देखिए देखिए पीछे का भी दिखा देते हैं, देखिए पीछे का भी जल रहा है, इधर भी जलता है, और राइट साइड देख के दिखा देते हैं, देखिए राइट साइड भी जलता है, पीछे भी जल रहा है। तो देखिए बंद कर दिया, ये फ्लासर का प्रॉब्लम था जो ब्लिंक नहीं हो रहा था इंडिकेटर, ये फ्लासर का प्रॉब्लम है, फ्लासर लगा दिया और हॉर्न के लिए इंडिकेटर हॉर्न अलग से लगा दिया, तो ये जो समस्या था इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और किस किस मॉडल पर इंडिकेटर नहीं जलता है, पूरा बंद हो के रह जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों को मल्टीमीटर दे के यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेना होगा, 12 वोल्ट आ रहा है मतलब इसका कनेक्शन ठीक है। उसके बाद स्विच खराब होने से भी कुछ कुछ मॉडल पर नहीं जलता है, वो चेक कर लेना होगा। वैसा प्रॉब्लम दूसरा वीडियो में ठीक करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी जो प्रॉब्लम था इसका, इंडिकेटर ब्लास्ट नहीं हो रहा था, ब्लिंक नहीं कर रहा था, तो अभी कर रहा है। ये इंडिकेटर फ्लासर खराब था, फ्लासर लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये जो बुजर है, बुजर अलग से लगा दिया। इसका प्राइस है, फ्लासर का प्राइस है 70 रुपया और इस बुजर का प्राइस है 30 रुपया। अगर दूसरा कंपनी लेते हैं तो प्राइस हेर फेर हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो मिंडा कंपनी का फ्लासर अच्छा होता है और एवन का बुजर भी अच्छा होता है। तो ये लगा दिया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं, मान लीजिए आपका फ्लासर है लेकिन इंडिकेटर हॉर्न नहीं है, कुछ कुछ मॉडल पर कंपनी हॉर्न नहीं देता है इंडिकेटर हॉर्न, वो कैसे लगाएंगे? तो देखिए ये फ्लासर पर इंडिकेटर ये हॉर्न लगा देने से ही काम करेगा, आपका इंडिकेटर हॉर्न चलेगा बजेगा। तो ऐसे करके आप इंडिकेटर हॉर्न अलग से लगा सकते हैं आपका स्कूटर पर। और ये जहाँ पर ये वायर लगाया है यहाँ पर आप लोग सोल्डरिंग करके भी लगा सकते हैं। सोल्डरिंग कर देने से क्या होगा, लूज कनेक्शन नहीं होगा, अच्छा होगा। तो आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाया इंडिकेटर ब्लिंक नहीं करने से आप लोग कैसे ठीक करेंगे, ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम ठीक करना होगा, बुजर और इंडिकेटर हॉर्न लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह नया नया वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और सब्सक्राइब करने से हो गया क्या, हम जब भी यूट्यूब में वीडियो डालेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।